फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं firstbite.tv। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सूबे से माफिया राज खत्म करने के लिए कटिबद्ध है। सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि इन माफियाओं की आर्थिक रूप से कमर भी तोड़ी जा रही है। पिछले साल शुरू किए गए नेशनल बूथ अभियान की धमक अब दूर तलक सुनाई दे रही है। प्रयागराज में माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की कई इमारतों को जमींदोज किया जा चुका है। इसके अलावा अतीक की करीब आधा दर्जन संपत्तियों को कुर्क अथवा जब्त किया जा चुका है। प्रयागराज का सरकारी अमला अतीक अहमद की 18 और संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी में है। वहीं मेरठ में कुख्यात बदन सिंह बद्दो पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो की आलिशान कोठी को जमींदोज करने की प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। संभवतः कल यानी गुरुवार को उसकी कोठी पर सरकारी बुलडोजर अपनी ताकत का एहसास करा देगा। फिलहाल बात करते हैं अतीक अहमद की। प्रयागराज का सरकारी अमला अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। जिले के डीएम ने इसके लिए पुलिस को मंजूरी भी दे दी है। यह संपत्तियां शहर के करेली इलाके के एनोदीनपुर गांव में है। करोड़ों की इस संपत्ति पर अतीक के करीबी प्लॉटिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही अतीक गैंग के 2 सदस्य माजिद और अकबर की 5 संपत्तियां भी कुर्क करने का आदेश हो चुका है। माना जा रहा है कि इन सभी 23 संपत्तियों को अगले 3 से 4 दिन में जब्त किया जा सकता है। बता दें कि प्रयागराज में पिछले 5 माह में 46 माफियाओं और बाहुबलियों की इमारतों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया जा चुका है। उधर मेरठ के कुख्यात माफिया बदन सिंह बद्दो पर भी पुलिस प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। पिछले दिनों ही पुलिस ने बकायदा मुनादी कराकर बदन सिंह बद्दो के घर को कुर्क कर लिया था। टीपी नगर के पंजाबीपुरा निवासी बदन सिंह बद्दो होटल मुकुट महल से 28 मार्च को पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। दरअसल गाजियाबाद पेशी पर आए बदन सिंह को वापस फतेहगढ़ ले जाना था, लेकिन पुलिस उसे मेरठ मुकुट महल ले आई। यहां पुलिस को नशे में कर बदन सिंह बद्दो भाग निकला था। पुलिस ने फरारी में सहयोग करने के आरोप में मुकुट महल मालिक मुकेश गुप्ता, केबल कारोबारी व मेट्रो प्लाजा व्यापार संघ महामंत्री अनिल छाबड़ा, डिपिन सूरी, पपित बड़ला, संयुक्त व्यापार संघ मंत्री लल्लू मक्कर, करण पब्लिक स्कूल संचालक भानु प्रताप, सोनू सहगल, मिक्की सरदार, अरुण व 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने भानु प्रताप, लल्लू मक्कर, डिपिन सूरी वे सोनू सहगल आदि को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुकेश गुप्ता ने अपनी गिरफ्तारी के अगेंस्ट स्टे ले लिया था, जिसे बाद में स्टे खत्म होने पर पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोठी को जमींदोज होने से बचाने के लिए बदन सिंह बद्दो की भाभी कुलदीप कौर सामने आई, लेकिन वह ऐसा कोई कागज पेश नहीं कर पाई जिससे कोठी पर उसका मालिकाना हक साबित हो पाता। अब मेरठ विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को कोठी जमींदोज करने के लिए पुलिस प्रशासन से मदद मांगी है। इस कार्रवाई के लिए 21 जनवरी की तिथि तय की गई है। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारी भी पूरी कर ली गई है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।